टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस बुरी तरह से बिखर गई है, तो पार्टी से इस्तीफे देने वालों की लंबी लाइन लग गई है। और अब करनाल से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। तो कांग्रेस छोड़ने की घोषणा करते हुए मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट बंटवारे में उत्तरी हरियाणा की अनदेखी की गई और कांग्रेस के इस रवैये से उत्तरी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सफाया भी हो सकता है। इस बात को लेकर इस्तीफा दिया कि कांग्रेस जिस कमिटमेंट के साथ हमें ले गई थी और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने हमें टाल दिया हाईकमांड की बात कर करके, और ये कह दिया कि विधानसभा आपको पक्का लड़ाया जाएगा और असंध से लड़ाया जाएगा, तो असंध में भी अंतिम क्षणों में हमें बिल्कुल जवाब दे दिया कि वे नहीं हो सकता। तो जब हमें चुनाव के लिए ले गए थे और वह पूरा नहीं कर रहे, तो हमें तो ऐसा एक लगा जैसे निर्मल सिंह जी को भी उन्होंने मना कर दिया अंतिम क्षणों में ही, कि जो उत्तरी हरियाणा की आवाज उठाता है उसको वो दबाना चाह रहे हैं। दूसरा, हमारी बिरादरी जिससे मैं संबंधित हूं उसको कांग्रेस ने बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया ताकि हमारी राजनीतिक हत्या हो जाए। एक हमारी राजनीतिक हत्या करने का ये जो प्रयास किया इन्होंने, इसकी प्रतिक्रिया में हमने सोचा कि भाई ये पार्टी में रहना उचित नहीं है।